गाइज, कस्टमर को जब भी कुछ परचेज करना होता है तो मोस्ट ऑफ कस्टमर उस प्रोडक्ट को गूगल में पहले सर्च करते हैं। गाइज, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ा सकते हो। गाइज, जब भी आप गूगल पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आपने देखा होगा कि आपको एक शॉपिंग का टैब मिलता है, और जब आप इस शॉपिंग के टैब पे क्लिक करोगे आपको बहुत से प्रोडक्ट्स यहां पर शो करेंगे। ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिकली शो करते हैं और इस पे स्पॉन्सर्ड भी होता है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप गूगल के इस शॉपिंग टैब पे ऑर्गेनिकली बिल्कुल ही फ्री में कैसे अपने प्रोडक्ट को शो करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां हम ये देखेंगे कि कैसे आप गूगल के शॉपिंग टैब पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे। यहां पर आज हम गूगल मर्चेंट सेंटर कैसे सेटअप करते हैं, यहां प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं और कैसे गूगल में प्रोडक्ट हमारा शो करता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो हम गूगल में सर्च करेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर, क्योंकि हमें पहले मर्चेंट सेंटर अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको गूगल मर्चेंट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ये गूगल मर्चेंट सेंटर है। अब यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि लिस्ट योर प्रोडक्ट फ्री ऑन गूगल, जहाँ आपके प्रोडक्ट्स फ्री में गूगल में शो करेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर आपको ये सारे फील्ड पहले फिल करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बिजनेस नेम, आपका बिजनेस कंट्री चूज करना है और टाइम जोन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ट्रैफिक कहाँ भेजना है, तो हमें अपने वेबसाइट पे भेजना है अपने, और अगर आपको लोकल स्टोर है तो आप लोकल स्टोर भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप इन किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो तो उसको आपको यहाँ पर टिक आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका वेबसाइट हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि कस्टमर को जो प्रोडक्ट शो होगा तो आपके वेबसाइट पर जाके वो परचेज करेंगे। अब आपको जीमेल में यहाँ पर अपडेट चाहिए तो आप टिक कर सकते हो, नहीं तो आप उसे छोड़ दें और यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लें। अब आपका यहाँ पर मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो सेटअप करने के लिए पहले तो आप देखिए यहाँ पर आप आ गए हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बिजनेस एड्रेस है जहाँ से आप ऑपरेट करते हो, वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। एक बार जब आप एड्रेस फिल कर लेते हो तो आपको नीचे मोबाइल नंबर फिल करना है और मोबाइल नंबर को OTP के साथ वेरीफाई करना है, और मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपका बिजनेस डिटेल वेरीफाई हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर वेबसाइट को अपना वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो वेबसाइट का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब गाइज, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने जिस वेबसाइट को, अगर आपका आपने यहाँ पर एडसेंस अकाउंट बनाया है, तो वैसे मैंने एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है, तो मेरा ऑटोमेटिक देख सकते हैं वेरीफाइड का जो है वो ऑप्शन आ गया है कि आपका वेबसाइट क्लेम हो गया है। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया तो आपको गूगल एक कोड देगा और उस कोड को आपको अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन पर लगाना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। अब आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको शिपिंग जो है वो सेटअप करना है। शिपिंग का मतलब है कि आप अपना जो शिपिंग का जो है वो कितना अमाउंट लेंगे। अगर हम फ्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लीजिए, कहां पर आपको पहले शिपिंग करना है वो कर सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया में करना है। डिलीवरी टाइम आपको यहां पर सेलेक्ट करना है और फ्री शिपिंग है, तो मैं यहां पर फ्री शिपिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो फ्री शिपिंग मैंने यहां सेट कर दिया है, आपका डिलीवरी टाइम भी हमारा सेट हो गया है, और ये हम यहां पर करेंगे कंटिन्यू। तो हमने यहाँ पर सेटअप शिपिंग कर लिया है। अब हम हमारा प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर आप सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो और मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। अभी मैं आपको सिंगल बताऊंगा। अगर आप मल्टीपल, आपके बहुत से प्रोडक्ट है तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड आप कर सकते हो। अभी मैं सिंगल प्रोडक्ट्स आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप ऐड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत से डिटेल है प्रोडक्ट के वो फिल करने पड़ेंगे। तो अभी मैं इन सबको फिल करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसे टिकआउट नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको UPC नंबर वगैरह देना पड़ेगा, उसे आप छोड़ दीजिए। और नीचे सबसे पहले आपको SKU दे दीजिए, खुद से बना सकते हैं। SKU देने के बाद आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का टाइटल देना है, अगर आपको प्रोडक्ट का ब्रांड है तो वो आप दे सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है तो मैंने इसे छोड़ दिया है। इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट का लिंक देना है, जहाँ पर अपने वेबसाइट अपने लिंक लिस्ट करके रखा है वहाँ का लिंक दे दीजिए, और यहाँ पर इमेज दे दीजिए, प्राइस दे दीजिए, स्टॉक में है वो आप दे दीजिए, कंडीशन न्यू है, बाकी और भी अगर आप भरना चाहते हैं इसका डिस्क्रिप्शन तो आप भर सकते हैं, और बाकी मैंने इसे अभी ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरा प्रोडक्ट का डिटेल हमने दे दिया है, और यहाँ पर सिंपली हमें सेव करना है। सेव करने के बाद गाइज हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेव हो जाता है, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका प्रोडक्ट शो कर रहा है, सारे डिटेल आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं गो टू ऑल प्रोडक्ट। गो टू ऑल प्रोडक्ट करने के बाद आपको अगर और भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे गो टू प्रोडक्ट हमने किया, जैसे मैं गो टू प्रोडक्ट कर देता हूँ, गो टू ऑल प्रोडक्ट, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एक प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया है तो वो प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर हम मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ऐसे करके कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर अब देखिए स्टार्ट फाइनल रिव्यू पे आपको क्लिक करना है। लेकिन गाइज अभी क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पेंडिंग स्टेट में, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा जो हमने लिस्ट किया है वो वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपको फाइनल रिव्यू का ऑप्शन आएगा। क्योंकि देख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट का सेक्शन अभी तक टिकआउट नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग स्टेट में। अगर आपको और भी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करने हैं तो देख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप मैनुअली अपना सारा प्रोडक्ट यहाँ पर एक एक करके अपलोड कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अगर बल्क में कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं हमने प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब ये जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, गूगल पेंडिंग में भी है, वेरीफाई हो जाएगा तो आप फाइनल रिव्यू में सबमिट कर दीजिएगा, तो गूगल मर्चेंट सेंटर में आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो ही गया है और आपका प्रोडक्ट भी लिस्ट हो गया है। और ये जैसे ही एक्टिव हो जाता है तो आपका जो प्रोडक्ट है अब गूगल के सर्च रिजल्ट में शो करने लगेगा। गाइज आप चाहो तो अपना ऐड रन करके यहां पर अपने प्रोडक्ट्स को गूगल के टॉप पेज पे भी शो कर सकते हो। उसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो आगे इन फ्यूचर हम उसके भी वीडियोस लाएंगे कि आप ऐड के थ्रू कैसे प्रोडक्ट को शो कर सकते हो गूगल के फर्स्ट में। ये प्रोडक्ट आपका फ्री में गूगल शॉपिंग में शो करेगा। आज का वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने चैनल पर नए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन से वीडियो